खबर इंदौर से, जहां मूर्ति विसर्जन को लेकर इस बार नगर निगम हर वार्ड में विसर्जन कुंड बनवा रही थी। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए शहर के हर वार्ड में एक पर्यावरण हितेशी कुंड बनाया जा रहा है। इनमें लोग अपने घरों में स्थापित मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाएं विसर्जित कर सकेंगे। साथ ही बताया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और अन्य प्रकार से बनी मूर्तियों को सभी वार्डो में एकत्रित कर जवाहर टेकरी में पूरी विधि विधान और पूजन के साथ पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विसर्जित किया जाएगा। वार्डों में एक एक जगह ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं कि जहां लोग लाके गणेश जी की प्रतिमा लोगों ने प्रतिष्ठापित की है गणेश चतुर्थी पे, उनको विसर्जन के लिए छोड़ सके और वहां से जो विधि विधान होता है उसके साथ में निगम की टीम कलेक्ट करके जो हमारे पर्यावरण हितैषी कुंड बनाए गए जवाहर टेकरी पर, वहाँ पर उनका विसर्जन किया जाएगा। COVID-19 को लेकर जिला प्रशासन के निर्देश हैं, धारा 144 भी लागू है। कोई भी वाटर बॉडीज में कोई भी डायरेक्ट जाके विसर्जन नहीं कर सकेगा, इसके संबंध में पूर्व से ही निर्देश है। और जब